नमस्कार सबको, मेरा प्रणाम। मेरा नाम गौरव है एंड हम JNU के आयुर्वेदा बायोलॉजी प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। अभी सेकंड सेमेस्टर हमारा चल रहा है। पिछले ईयर ही हमने JNU का एग्जामिनेशन दिया था, जिसमें हमारे आयुर्वेदा में हमारे रैंक बने थे 5th ऑल ओवर इंडिया में। एंड हमने साथ ही में BA फॉरेन लैंग्वेजेस का भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था, जिसमें हमारे रैंक 18th बने थे फ्रेंच में, 23 बने थे जर्मन में, ऑल ओवर इंडिया में। सबसे पहले एग्ज़ाम वेट चैनल और हमारे मुदी भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें ये स्वर्णिम अवसर प्रदान किया कि हम आपसे बात कर सकें और आपके मन में जो भी सवाल हों आयुर्वेदा बायोलॉजी प्रोग्राम को खास कर ले करके, उनमें थोड़ी सी क्लैरिटी हम अपने तरफ से आपको दे सकें। क्योंकि नया कोर्स जब भी कुछ लॉन्च होता है तो उसके मन में सवाल बहुत रहते हैं लोगों के मन में, तो इसी को लेकर के हम आज आपके सामने हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपको आयुर्वेदा बायोलॉजी प्रोग्राम में अगर एडमिशन चाहिए तो बस आपके 12th मांगता है। अपने ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस चीज़ से 12th कर रखा है। मे बी आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हों, मे बी आप मैथमेटिक्स के हों, मे बी आप बायोलॉजी बैकग्राउंड के तो मोस्टली होंगे ही जो आपको अटेम्प्ट करते हैं। आप कोई भी स्ट्रीम के हों, आप ये प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। बस 12th आपका पास आउट होना चाहिए, आप जैसा अकॉर्डिंग टू द NTA प्रोस्पेक्टस, तो बस आप एलिजिबल हो जाएंगे इस एग्जामिनेशन के लिए। अब आते हैं दूसरी चीज़ पर, आखिर आयुर्वेदा बायोलॉजी प्रोग्राम में पढ़ना क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। हमें भी बहुत ये हमारे माइंड में क्वेश्चन चलता था। एंड फिर इसका जैसे ही प्रोग्राम हमने ज्वाइन करा, हमारे सारे के सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो गए। देखो अभी क्या है, मॉडर्न मेडिसिन में आप देख रहे हो डेली लाखों रिसर्च होते रहते हैं, मंथली बेसिस पे आपको होते रहते हैं और बहुत नॉलेज आपका रहता है। बट क्या ये जस्टिस आपको आयुर्वेदा के साथ में हो पाया है? नहीं। आप जानते हैं आयुर्वेदा हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है और उसमें बहुत अच्छी अच्छी हमारे लाइफ को लेकर के, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स को लेकर के, ट्रीटमेंट एस्पेक्ट्स को लेकर के बहुत नॉलेज है। वो नॉलेज को वैलिडिफाई करना, रिसर्च स्कॉलर डेवलप करना, उसका एक टैलेंट पूल बनाना, यही इस प्रोग्राम का आप मेन उद्देश्य समझ सकते हैं। आप इसकी बात करो BSc MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के क्वेश्चन पेपर की, तो दो हिस्से में ये बटा होता है। 60 नंबर का आपका साइंसेस पूछा जाता है, 40 नंबर का आपका संस्कृत पूछा जाता है। साइंसेस की तैयारी अगर आप JEE मेन या नीट की कर रहे हो तो ऑलरेडी आप कर चुके हो, तो उसके लिए साइंस पेपर की तैयारी मत करो। आप इजीली 60 में से 55 ठोक दोगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो आप जो है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हो, आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, तो आप लूसेंट में जो पीछे में जो साइंसेस दिया रहता है उसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? उसका मोर देन इनफ, आप अच्छे से रट्टा मार लेना उसे। अब आते हैं संस्कृत पे, तो संस्कृत में कोई भी आप सबसे पहले स्टार्ट करो धातु रूप से। हर एक धातु रूप चुनो, सेव, पट, गम, ये जितने भी धातु रूप हैं इनके जो 5 मेन लकार में आप प्रिपेयर कर लेना। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधि विंग जो हो गए, ये आप इसमें जो है लिट लकार, ये 5 लकार मेन हो गए, आप इनमें जो है अच्छे से उसे रट लेना। एंड फिर शब्द रूप जो हैं, जैसे आपको फल के शब्द रूप, बालक के शब्द रूप, ये सारे आपको संस्कृत सहचर में या संस्कृत शिक्षण सरणी में आपको मिल जाएंगे। फिर संधि देख लेना, समास वगैरह देख लेना, अक्तवा, लेय, पक्तवतु, शत्रि, शान्च, प्रत्यय वगैरह जो हो गए, प्रिफिक्सेस जिसे बोलते हैं हम लोग, वो देख लेना। तो मोटा मोटी आपका काम चल जाएगा संस्कृत में। इससे ज़्यादा आपको संस्कृत में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पिछले ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास अवेलेबल हो तो उससे देख के आइडिया लगा सकते हो, बट क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी आने वाला है और आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो हो जाएगा। साइंस पोर्शन मेन है, 60 में से आपको एटलीस्ट 50 के ऊपर सिक्योर करना ही करना है। तो आप अच्छे से अपने साइंसेस को रिवाइज कर लो, नीट को प्रायोरिटी दे करके अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका ऑटोमेटिकली वो पार्ट जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। संस्कृत को अच्छे से पढ़ना है, अगर आपका ये नया सब्जेक्ट है आपके लिए तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है संस्कृत को। नॉलेज वाला जो पार्ट हो गया आपका फॉरेन लैंग्वेज इंट्रेंस के लिए, सो ब्रीफली बताए थे क्योंकि ये मेन वीडियो जो है आयुर्वेदा बायोलॉजी के लिए है। तो पर्सनली अगर मुझसे पूछो तो भाई हम 10 दिन का ही तैयारी किए थे अच्छे से। 23 तारीख से हमने तैयारी शुरू किया था और हमारा 6 तारीख को पेपर पड़ा था, 6 अक्टूबर 2020 को, और हमने सीधा सीधे एग्जाम वेट चैनल को भाई फॉलो किया। एग्जाम वेट चैनल में जो वीडियोज़ थी सारी की सारी हमने बार बार देख डाली और हमने JNU का क्वेश्चन बैंक उठा करके उसे सॉल्व कर लिया। और जो भी विकीपीडिया पे वो कंट्रीज़ हैं, विकीपीडिया पे जितने भी, जैसे कोरियन लैंग्वेज है कहाँ कहाँ बोला जाता है, तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया हो गया, उसमें उसे बार बार विकीपीडिया से पढ़ना है, उसमें से कुछ निकाल करके नोट करना है। एंड मैथमेटिक्स इंग्लिश की जो एग्जाम वेट की वीडियोज़ है उसे अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर एग्जाम वेट चैनल में आगे जा करके आपको अवेलेबल कराए जाएंगे स्पेशल वो क्वेश्चन बैंक वगैरह, उसे आप अच्छे से देख लेना तो आपका वो इजीली हो जाएगा। उस पार्ट के लिए आपको जो है टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है और बहुत इजीली क्वालिफाई हो गया था। मेरा हो गया तो आपका भी हो जाएगा। हम तो बस 23 तारीख से शुरू किए थे एंड हमारा
6 तारीख को जैसे हमने बताया हो गया, हमारे पास तो ज़्यादा टाइम भी नहीं था, एंड बीइंग नीट एस्पिरेंट हमने तो कुछ और तैयार भी नहीं कर रखा था, हमारा तो बस वही ऐसे ही में काम चल गया हमारा। और फिर उसके बाद मैं इस वीडियो में ब्रीफ रख रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में हमने जो है मेनली बात की करनी थी आयुर्वेदा बायोलॉजी प्रोग्राम के लिए। बाकी अगर आपको बीए फॉरेन एंट्रेंस के एग्जामिनेशन के लिए वीडियोस चाहिए तो इस चैनल पे आप सारी वीडियोस देख लीजिए, वो मोर देन इनफ है आपको जेएनयू के प्रवेश दिलवाने के लिए। और इसी के साथ धन्यवाद, कोई भी और आपको डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हम आपको आंसर कर देंगे। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद, स्टे सेफ, प्रिपेयर वेल, बाय।